आज के इस वीडियो में समझेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के क्वेश्चंस में ये जो इंटरवल दिए होते हैं इनको किस तरीके से सॉल्व करें और इन इंटरवल का मतलब क्या है। बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है, अच्छे से सीखिएगा। चलिए क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे कह रहा है डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्वेश्चन है कॉस इनवर्स टू एक्स रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर। इंटरवल गिवन है एक्स लाइज इन बिटवीन वन अपॉन रूट टू टू वन। तो देखिए यहाँ पे वन माइनस एक्स स्क्वायर है जो कि फॉर्म बन रहा है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का, ए की प्लेस पे वन रख दीजिए तो वन माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा। और हम जानते हैं अगर एक्सप्रेशन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कंटेन कर रहा हो तो हमें सब्स्टिट्यूशन करने हैं एक्स के प्लेस पे ए साइन थीटा या फिर ए कॉस थीटा। इतना क्लियर। यहाँ पे ए के प्लेस पे वन है तो यहाँ हमें सब्स्टिट्यूशन करने हैं एक्स के प्लेस पे वन साइन थीटा मीन्स साइन थीटा या फिर वन कॉस थीटा मीन्स कॉस थीटा, दोनों में से कुछ भी रख सकते हैं। तो दोनों रख के देख लेते हैं। तो सबसे पहले कॉस थीटा रखिए तो ये पूरा बन जाएगा कॉस इनवर्स। एक्स के प्लेस पे कॉस थीटा रखना है तो टू कॉस थीटा रूट ओवर वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। नाउ ये पूरा बन गया कॉस इनवर्स टू कॉस थीटा वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है और ये रूट लगा है तो ये मिल जाएगा साइन थीटा टू साइन थीटा कॉस थीटा साइन टू थीटा होता है। अब यहां पे कॉस इनवर्स है तो इसको भी कॉस के टर्म में लिख दीजिए तो कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, इसको यूज कीजिए तो कॉस इनवर्स इसको लिखा जा सकता है कॉस 90 माइनस टू थीटा, ये मिल जाएगा साइन टू थीटा तो इसके प्लेस पे ये लिख दिए। इतना क्लियर। नाउ कॉस इनवर्स कॉस पाई अपॉन टू माइनस टू थीटा है। अब यहाँ पे इस इंटरवल का यूज होगा। देखिए एक्स के प्लेस पे हमने सब्स्टिट्यूशन किया है कॉस थीटा तो एक्स के प्लेस पे वन अपॉन रूट टू रखिए इक्वल्स टू कॉस थीटा। तो यहां से थीटा मिल जाएगा कॉस पाई अपॉन फोर, वन अपॉन रूट टू होता है तो थीटा आ गया पाई अपॉन फोर। एक्स के प्लेस पे वन रखिए वन इक्वल्स टू कॉस थीटा, कॉस जीरो वन होता है तो यहां से थीटा मिल गया जीरो। इतना क्लियर। तो एक्स लाई कर रहा था वन अपॉन रूट टू से लेके वन के बीच में तो यहां पे थीटा लाई करेगा। देखिए यहां पे पाई अपॉन फोर आ रहा है और यहां जीरो आ रहा है तो जीरो से लेके पाई अपॉन फोर, ये गलती मत कीजिए, पाई अपॉन फोर से जीरो ये नहीं हो सकता है, जीरो से पाई अपॉन फोर आप जा सकते हैं तो थीटा लाई करेगा इन बिटवीन जीरो टू पाई अपॉन फोर। इतना क्लियर। अब यहाँ पे पाई अपॉन टू माइनस टू थीटा है तो यहाँ पे टू थीटा पहले बनाइए, यहाँ लिख देते हैं टू थीटा। तो देखिए अब यहाँ पे टू थीटा किए हैं मीन्स टू से इंटू किए हैं तो यहाँ पे भी टू का इंटू कीजिए तो टू इंटू जीरो जीरो और टू इंटू पाई अपॉन फोर पाई अपॉन टू मिल जाएगा। अब यहाँ पे चाहिए पाई अपॉन टू माइनस टू थीटा मीन्स इसको हम 90 से सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो पाई अपॉन टू माइनस जीरो पाई अपॉन टू यहाँ से मिल जाएगा पाई अपॉन टू और पाई अपॉन टू माइनस पाई अपॉन टू यहाँ से मिल जाएगा जीरो। तो पाई अपॉन टू से जीरो तो नहीं जा सकते हैं, जीरो से पाई अपॉन टू। इतना क्लियर। तो ये पूरा यहाँ पे इंटरवल बन रहा है जीरो से लेके पाई अपॉन टू और कॉस इनवर्स कॉस थीटा ये होता है थीटा कब, व्हेन थीटा बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल जीरो टू पाई। जीरो टू पाई कहने का मतलब जीरो से 180 और यहाँ जीरो से 90 जा रहे हैं मीन्स इस इंटरवल में लाई कर रहा है तो यहाँ से मिल जाएगा थीटा मीन्स ये पार्ट कॉस इनवर्स कॉस थीटा थीटा मिल जाएगा तो ये आ गया पाई अपॉन टू माइनस टू थीटा। इतना क्लियर। अब एक्स के प्लेस पे कॉस थीटा रखे हैं तो थीटा यहां से हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स एक्स तो ये पूरा बन गया पाई अपॉन टू माइनस टू थीटा के प्लेस पे आ जाएगा कॉस इनवर्स एक्स। तो इस पूरे को सॉल्व करने पे ये आ गया। अब इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो ये आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ दिस पार्ट। तो पाई अपॉन टू का डिफ्रेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में कॉन्स्टेंट है जीरो, माइनस टू कॉन्स्टेंट है बाहर निकाल लीजिए। कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस वन अपॉन रूट ओवर वन माइनस एक्स स्क्वायर तो ये पूरा मिल गया माइनस माइनस प्लस टू
अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। क्लियर। अब x के प्लेस पे साइन थीटा भी रखते हैं, तो अगर हम यहाँ पे x के प्लेस पे साइन थीटा रखें तो ये बन जाएगा कॉस इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू रूट ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये पूरा बन गया कॉस इनवर्स 2 साइन थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा होते हैं और ये रूट लगा है, कॉस थीटा बन जाएगा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा। नाउ इधर कॉस इनवर्स है तो इसको भी कॉस के टर्म में लिख लीजिए, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस इनवर्स कॉस पाई अपॉन 2 माइनस 2 थीटा, साइन 2 थीटा को लिखा जा सकता है। नाउ कॉस इनवर्स कॉस पाई अपॉन 2 माइनस 2 थीटा है, अब इस इंटरवल का यूज कीजिए। तो एक्स के प्लेस पे साइन थीटा रखा है आपने, तो यहाँ पे एक्स के प्लेस पे 1 अपॉन रूट 2 रखिए इक्वल्स टू साइन थीटा, और साइन 45 1 अपॉन रूट 2 होता है, तो थीटा यहाँ से मिल गया पाई अपॉन 4। अब एक्स के प्लेस पे 1 रखिए तो 1 इक्वल्स टू साइन थीटा, साइन 90 1 होता है, तो यहाँ से थीटा मिल जाएगा पाई अपॉन 2। इतना क्लियर। तो यहाँ से थीटा लाई करेगा पाई अपॉन 4 से पाई अपॉन 2 के बीच में, इतना क्लियर। यहाँ पे 2 थीटा लेके आना है तो 2 से इंटू कर दीजिए, तो 2 से इंटू करने पे ये बन जाएगा पाई अपॉन 2 और ये मिल जाएगा पाई, इतना क्लियर। अब पाई अपॉन 2 माइनस 2 थीटा चाहिए तो पाई अपॉन 2 से सब्सट्रैक्ट कीजिए इसको, तो यहाँ पे भी सब्सट्रैक्शन करना पड़ेगा, तो पाई अपॉन 2 माइनस पाई अपॉन 2 ये मिल जाएगा 0 और पाई अपॉन 2 माइनस पाई ये मिल जाएगा माइनस पाई अपॉन 2, तो ये मिल जाएगा लाई करेगा माइनस पाई अपॉन 2 से लेके 0 के बीच में, इतना क्लियर। नाउ कॉस इनवर्स कॉस थीटा ये बनता है माइनस थीटा व्हेन थीटा बिलोंग्स टू माइनस पाई टू 0, क्लोज इंटरवल होगा, इतना क्लियर। तो माइनस 180 से 0 कॉस इनवर्स कॉस थीटा माइनस थीटा होता है, तो माइनस 90 टू 0 इस इंटरवल में लाई कर रहा है, तो यहाँ से मिल जाएगा माइनस थीटा मीन्स कॉस इनवर्स कॉस थीटा, ये आ जाएगा माइनस थीटा मीन्स माइनस ऑफ दिस पार्ट, तो ये पूरा मिल गया माइनस ऑफ पाई अपॉन 2 माइनस 2 थीटा, और इसको हम लिख सकते हैं माइनस पाई अपॉन 2 और प्लस 2 थीटा। नाउ एक्स के प्लेस पे साइन थीटा रखा है तो थीटा यहाँ से मिल जाएगा साइन इनवर्स एक्स, तो ये पूरा मिल गया माइनस पाई अपॉन 2 प्लस 2 साइन इनवर्स एक्स। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देना है एक्स के रिस्पेक्ट में, ये तो कांस्टेंट है 0 मिल गया और प्लस 2 कांस्टेंट है बाहर, साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से भी मिल गया 2 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। आइडेंटिटीज ऑफ साइन इनवर्स साइन थीटा कॉस इनवर्स कॉस थीटा टैन इनवर्स टैन थीटा विथ इंटरवल, ये हमने शेयर कर दिया है, इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप नोट कर लीजिए कॉपी में, और इंटरवल अगर गिवन हो तो इन इंटरवल का थोड़ा सा ख्याल रखना है, एंड आई होप किस तरीके से यूज करना है इन इंटरवल का ये अच्छे से सीख पाए हों, ठीक है। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ अपने फ्रेंड से भी शेयर कीजिए, और कोई जरा सा भी डिफिकल्टीज गई हो तो इसको आप जरूर क्लियर कीजिए, ठीक है। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दीजिए।